अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का फ़ातिमा रेसिपी में वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश करी। इस फ़िश का नाम बासा है, जो बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसकी फ्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज करी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 750 ग्राम बासा फ़िश ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इस तरह से चाकू से चीरा लगा लिया है। 1.5 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भरकर रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 नींबू का रस, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच बेसन लिया है और ये मैंने तेल लिया हुआ है। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक बोल लिया है और हम इसमें सबसे पहले बेसन डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक, नींबू का रस, हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। दो से तीन चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम एक एक फिश उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से मसाले लगाएंगे। इसके कट में भी मसाले लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, चारों तरफ से बिल्कुल इसी तरीके से लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारी फ़िश में जो है अच्छे से मसाले लगा दिए हैं और अब हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। और जब तक ये मैरिनेट होता है, तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। फ़िश की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस लिया है, 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने पीस लिया है, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी और ये थोड़ा सा धनिया की पत्ती है और कुछ पीसे मसाले लिए हैं, जिसमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 खटाई ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे हटा दें। और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना और 2 मैंने इस तरह से हरी मिर्च को काट लिया है। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं, फ़िश अच्छे से मैरिनेट हो गई है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ़िश फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है और अब मैं इसमें एक एक फ़िश की पीस डाल दूंगी। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि फ़िश एक साइड से अच्छी ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड, 3 मिनट हो चुके हैं
और फिश हमारी एक साइड से अच्छी सी ब्राउन हो गई है। इसी तरह हम सारी फिश को पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी फिश पलट दी है और 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छी सी ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी फिश ब्राउन हो गई है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी फिश को फ्राई करके निकाल लिया है और अब मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। फिश की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसको अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालूँगी। तेल जैसे ही गर्म होगा फ्रेंड, हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। और उसके बाद हम 2 से 3 सेकंड के बाद हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे और अपनी हरी मिर्च, और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। 2 मिनट के बाद मेथी दाना का कलर चेंज हो गया है और अब हम इसमें पिसी हुई प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में। और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं फ्रेंड और प्याज हमारी अच्छी सी भुन गई है। ये देखिए बढ़िया सी ब्राउन ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, और खटाई, और साथ ही साथ नमक भी डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे जिससे मसाले अच्छे से भून जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है और अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाए। चार मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से पक गया है इसमें। और अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आने लगा है और अब हम इसमें सारी फिश डाल देंगे।
जिनको हमने पहले से फ्राई करके रख लिया था, और इसको हम अच्छे से चला देंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि फिश जो है ग्रेवी में अच्छे से पक जाए। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और फिश हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड, गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और फिश को बाहर निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड, फिश बनकर तैयार है। और अब हम इस पर कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा क्रश करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे, और धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बादशाह फिश मसाला करी बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग भी बनाएं और कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।